हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कड़कती हुई ठंड में भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करने से नहीं रुक रहे होंगे, अपनी तैयारी से पीछे नहीं हट रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज भी लाई जाने वाली है आपकी इन क्लासेस के साथ साथ में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है आपकी इन वीडियो लेक्चर्स के जैसे ही। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, कुछ एक दो दिन में ही आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन सीरीज हम तैयार करके ला रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इन क्लासेस की तरह ही इस क्वेश्चन सीरीज के लिए हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे, जैसा कि हम आपसे इन वीडियोस के लिए भी नहीं करते हैं, इन क्लासेस के लिए भी नहीं करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मदद करेगी आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको चेक करने में, आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने में कि आप जो ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी ठीक से हो पा रही है या नहीं। जो भी डाउट्स हैं मन में या जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, क्या वो ठीक है या नहीं, उनको आपको चेक करने में मदद मिलेगी इन क्वेश्चंस के द्वारा। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों ही रहेंगे, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चंस की क्वालिटी आपके जो रियल एग्ज़ाम पैटर्न होता है उससे रिलेटेड ही रहने वाली है। हाँ, शुरू शुरू में क्वेश्चंस आपको इतने टफ नहीं दिए जाएंगे, शुरू शुरू में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी रहेगा, फिर धीरे धीरे जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ाया जाएगा। प्लीज़, अगर आप इन वीडियोस को हमारे साथ शुरू से देख रहे हैं, हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, पीछे ना हटें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, फैसिलिटीज़ और बढ़ती जाएंगी, कंटेंट और बढ़ता जाएगा, बेसिक्स टू एडवांस हम बिल्कुल जाएंगे। ये क्लासेस बहुत बेसिक्स हैं ताकि आपका एक जो बेस है वो तैयार हो जाए आगे की और क्लासेस के लिए, ताकि आपको आगे की जो क्लासेस आने वाली हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ओनली यूपीएससी से पहली बार जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ओनली यूपीएससी की जो पहली की जो क्लासेस हैं ज्योग्राफी की और पॉलिटी की, वो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है आप सभी के लिए, इजी वे है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए, स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग क्वेरी के लिए, क्लासेस की टाइमिंग्स के रिगार्डिंग क्वेरी के लिए, या अपनी प्रिपरेशन के बीच में जो आपको डाउट्स आते हैं उन सभी के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक एक बार फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप ओनली यूपीएससी को फॉलो भी कर सकते हैं, फर्दर अपडेट्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उन सभी चीज़ों के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा उन लाखों करोड़ों बच्चों को वो सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। वो एक जो कठिनाइयां होती हैं उनकी तैयारी में, उनके एक शिक्षा में जो कठिनाइयां आ रही होती हैं उनको दूर करने के लिए ओनली यूपीएससी इस आरंभ बैच को लेके आया है, जिसमें आपको जो भी क्लासेस, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है या आगे कराई जाएगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका समय और आपका एनर्जी मांगी जा रही है, आपकी मेहनत मांगी जा रही है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। आप उसको अभी सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा आपका ही है। आपका जीवन किस स्तर तक परिवर्तित, किस स्तर तक सुधरने वाला है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके इस एक मेहनत से, एक फैसले से कि नहीं, कल से मुझे मेहनत करनी ही करनी है, कल से मुझे अपने जो मैंने फैसला लिया है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का, या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, कि मैं कोई एक रोज़गार पा सकूं, एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकूं अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, वो फैसला जो आपने लिया है, प्लीज़ उस फैसले से पीछे ना हटें। आपका जो मोटिवेशन है,
आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो लगन है, उसको ओनली यूपीएससी कम नहीं होने देगा। रोज़ पढ़ाने से पहले आपको ऊर्जा से भरा जाता है, ये हमारा काम है, आपको मोटिवेशन देना, आपके अंदर लगन भरना, आपको डिसिप्लिन बनाना, आपको एक सही राह पे से एक सही राह दिखाना, वो हमारा काम है। आप बस अपनी मेहनत करिए, हमें हमारी जो वीडियोस हैं उनको लगातार देखते रहिए, उनसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर करिए। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बेझिझक टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है। आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए जाएंगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। आरंभ बैच शुरू हो चुका है, प्लीज़ देर ना करिए, अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए। जो लोग हमारे साथ पिछले एक हफ्ते से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि क्लासेस किस तरीके से चल रही हैं, उन्होंने आशा है कि अपना एक रूटीन बनाया होगा, अपने टाइम टेबल बनाया होगा क्लासेस को देखने के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं वो धीरे धीरे अपना जो रूटीन है वो बना रहे होंगे। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ पिछली वीडियोज़ को आप देख के आइए, पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए, बताइए कि आपको हमारी ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं, किस तरीके से पसंद आ रही हैं। अगर कोई सुझाव है आपका तो वो भी बताइए। हम अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके रिक्वायरमेंट्स को दिन पर दिन पूरी कर सकें, हम अपनी हर एक वीडियो में उन चीज़ों को ऐड कर सकें जो कहीं ना कहीं पिछली वीडियो में रह गई थी। देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन में नए हैं, आपको हर दिन कोई ना कोई अपनी कमी पता चलती है, आप उसको अगले दिन सुधारने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कमी हर किसी में होती है, आप में भी है, हम में भी है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि कमी है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कमी को मेहनत करके सुधार लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप हमें हमारी जो भी इम्प्रूवमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी करिए ताकि रोज़ ये जो वीडियोज़ आपके लिए आ रही हैं जैसे ही वो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। अभी ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं आपके पास, लेकिन बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी उसके कुछ दिनों बाद ही आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगे, जिसमें इंटरेक्शन जो है हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे प्यारे बच्चों के साथ, वो और भी बेहतर होगा, और भी रियल टाइम हम जो डाउट है वो सॉल्व कर पाएंगे। वो एक बेहतर तरीका है, वो भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इन वीडियोस को मिस ना करें। अगर आपने, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू ही रहने वाली हैं, लाइव क्लासेस में कुछ फिर से शुरू नहीं किया जाएगा, इन्हीं क्लासेस को उसमें कंटिन्यू रखा जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि रिकॉर्डेड हैं वो लाइव रहेंगी, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स पता चलती जा रही हैं, ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है, हम लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने अभी तक ज्योग्राफी की क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया। हमने शुरुआत की थी यूनिवर्स से, फिर हम सोलर सिस्टम पे आए, गैलेक्सीज पे आए, सोलर सिस्टम पे आए, अर्थ पे आए, अर्थ के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। आई होप आप लोगों को कुछ नए नए फैक्ट्स पता चले होंगे इन क्लासेस के माध्यम से, और अगर पता थे तो शायद रिवाइज हुए होंगे। कुछ बच्चे हमारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, आई अप्रिशिएट देम, ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर, यू आर डूइंग वेरी वेल। आप अपने जो जीवन में है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर कि इसे करने से क्या होगा, मैं तो एक साथ पूरी टेस्ट सीरीज लगाऊंगा उसमें टॉप करके दिखाऊंगा। अच्छी बात है, आप टेस्ट सीरीज लगाइए उसमें टॉप करके दिखाइए और उसी के बलबूते पे आप एग्ज़ाम भी दीजिए, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं आपके डाउट्स को आसानी से क्लियर करते हुए चलते हैं। तो अगर आप साथ ही साथ अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे तो काफ़ी ईजी होगा। भूलिएगा मत, क्वेश्चन सीरीज आपके लिए जल्दी ही आने वाली है, उसे मिस ना करिए। उसको मिस ना करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे साथ इन क्लासेस के माध्यम से जुड़ी रहिए, उससे रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आपको क्लासेस में ही दे दूंगी। क्वेश्चन आपको क्लास में ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन कहीं अपलोड नहीं किया जाएगा, वो क्लास में मैं आपको खुद देने वाली हूँ।
अगर कोई क्वेश्चन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप है आप उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है तो आप उसका जो आंसर है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेज सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन का आंसर जो भी वर्ड लिमिट दी जाएगी आपको क्लासेस में ही दी जाएगी, जो भी वर्ड लिमिट रहेगी उसकी आप उसको हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आपको उसी टाइम बता दी जाएगी कि कौन सी वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है। तो प्लीज़ क्लासेस से जुड़े रहिए, मिस नहीं होनी चाहिए क्लासेस। जल्द ही क्वेश्चन सीरीज शुरू होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेट ही रहने वाली है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने अर्थ के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अर्थ का शेप पढ़ा था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, फिर हमने उसके अलग अलग जोन्स पढ़े थे, हमने उसके मूवमेंट्स पढ़े थे, रोटेशन रिवोल्यूशन। फिर कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से मटेरियल्स रहते हैं, रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था। कल की क्लास में हमने रॉक्स को कंक्लूड कर दिया था, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स को हमने कवर कर लिया था पूरी तरीके से। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि डाउट्स कम देखने को मिलते हैं, तो शायद आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होता होगा, तो उसी को देखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पिछली बातों को दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की जो बात है, कल तक हमने पढ़ा था रॉक्स के बारे में, मतलब हमने पढ़ा था अर्थ की लेयर के बारे में कि अर्थ की जो शेप है या उसकी जो लेयरिंग है वो किस तरीके से होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अर्थ है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से अर्थ जो है हमारी वो चेंज होती है, मतलब कि अर्थ के चेंज होने का क्या मतलब है, अर्थ पर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं सडन, तो वो सब कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या उनके पीछे का कारण है, ये हम जानने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ में जो चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। हम यही तो पढ़ रहे थे ना, हमने अर्थ के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं या इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमने क्यों पढ़ा, हमने इसीलिए पढ़ा कि हम ये जानना चाहते थे कि हमारी अर्थ आज जैसी है, आज ये जो खूबसूरत प्लैनेट है वो क्या पहले भी ऐसे ही था जब वो बन के तैयार हुआ था, या कुछ प्रोसेसेस कुछ चेंजेस की वजह से वो आज इस तरीके से हो गया है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का जवाब जानने के लिए हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ा था, उनके अलग अलग जो कंपोजिशन है केमिकल कंपोजिशन की, वो सियाल है, सीमा है, नाइफ है, मतलब सिलिका है, मैग्नीशिया है, सिलिका है, एल्यूमिना है, या फिर निकल है, आयरन से, किन केमिकल कंपोजिशन से वो बने हुए हैं, किन मटेरियल से वो बने हुए हैं। उसके बाद हमने क्रस्ट में रॉक्स को पढ़ा था, तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो अर्थ है वो इवॉल्व कैसे हुई है आज के रूप में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के लैंडफॉर्म्स की, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स किस तरीके से बने, क्या उनका प्रोसेस रहता है, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो बनते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो अर्थ के जो क्रस्ट है या सरफेस उस पर चेंज लाती है, तो ऐसे क्या कौन कौन से एक्टिविटीज़ है वो पढ़ते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर भूभाग हम इसे कह सकते हैं, भूभाग, यदि इसका सही शब्द भूभाग नहीं है, लिथोस्फेयर क्या होता है। देखो, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट मेंटल कोर, ये जो तीन लेयर्स हैं, अगर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, मतलब कि वो सिलिका से बना है, एलुमिना से बना है, वो कौन से मटेरियल से बना है उसके बेसिस पे हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया है, तो वो हो गया क्रस्ट मेंटल कोर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अर्थ की लेयर्स को डिवाइड करेंगे तो कुछ अलग निकल के आता है, वो निकल के आता है लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, कुछ और भी उसके आगे की लेयर हैं, वो हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं जब हम डिटेल एडवांस क्लास में पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स हैं तो वो भी हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमें वहाँ तक का रास्ता दिखा सके, एक छोटा सा ब्रिज बना रहे हैं हम एडवांस ज्योग्राफी और बेसिक ज्योग्राफी के बीच में। तो जब हम एडवांस ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो सारी लेयर्स हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें लिथोस्फेयर समझना ज़रूरी है। तो हमने अभी देखा कि जो क्रस्ट मेंटल और कोर है, ये हमने केमिकल
कंपोजिशन के बेसिस पे हमने इन्हें पढ़ा था और उन्हीं के बेसिस पे ही डिफ्रेंशिएट होती हैं। लेकिन जो लिथोस्फीयर है या एस्थेनोस्फीयर है वो हम देखेंगे क्या होता है। आपको अभी समझ में शायद ना आ रहा हो कि लिथोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। ये भी अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं बट अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके जो भौतिक फीचर्स हैं उनके बेसिस पे जो ये जो लेयर्स हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना होगा लिथोस्फीयर क्या होता है। तो देखिए लिथोस्फीयर क्या होता है, हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से मिलके बना है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। मतलब कि अगर आप कहो कि एक बहुत बड़ी सी एक फर्श है, जैसे कि हम अपना फर्श बनवाते हैं तो उसमें भी वो पूरा नहीं रहता है, वो भी अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ होता है और फिर हम उसे साथ में लेकर आते हैं। वैसे ही कुछ अर्थ का भी है, अर्थ का सरफेस एक पूरा एक साबित टुकड़ा नहीं है, वो पीच पीस में से क्रैक्ड है। तो वो जो क्रैक्ड पीसेस होते हैं हम उन्हें कहते हैं प्लेट्स। ठीक है, जब प्लेट्स मिलकर एक बहुत बड़ा सा सरफेस बनता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो का मतलब बेसिकली आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा होता है स्टोन। लिथो का मतलब स्टोन होता है, स्फीयर का मतलब बहुत बड़ा, हम स्पेस कह सकते हैं, स्फीयर या स्पेस हम कह सकते हैं। तो स्टोन से बना हुआ जो स्पेस होता है, बेसिकली जो रॉक्स होती हैं वो होती तो स्टोन है ना, स्टोन से बनी हुई रॉक्स या रॉक से बना हुआ स्टोन वो स्टोन होता है। तो स्टोन स्पेस मतलब कि ये जो पूरा प्लेट्स हैं ये रॉक से बनी हुई होती हैं और इसे हम उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं ये स्टिल नहीं रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, ये धीरे 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 मूव करती रहती हैं। आपको ये चीज़ महसूस नहीं होती होगी लेकिन हाँ ये धीरे 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 मूव करती रहती है। मूव क्यों करती है उसका भी एक कारण है। जब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ रहे थे तो हमने मेंटल के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि मेंटल लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब कि तरल पदार्थ है, तरल अपनी स्टेट में रहता है। तो जैसे ये प्लेट्स हैं और अगर ये और कहीं ये क्रस्ट के ऊपर ही हिस्सा है और ये प्लेट्स हैं और कहीं यहाँ पे मेंटल है, यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा जो है वो है। तो ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये तरल पदार्थ है और ये देखो इसमें जो मटेरियल्स हैं ऑब्वियसली इसमें ऐसे मटेरियल्स भी होंगे जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से ये जो है अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये जो है ये मूव करता रहता है और ये मूव कैसे करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अलग अलग करंट्स होते हैं, जैसे यहाँ से कोई करंट उठा, ये पूरा अपना सर्कल इस तरीके से ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, सर्कुलर मोशन रहता है। तो उस वजह से अगर ये करंट यहाँ से ऐसे उठा और यहाँ इस तरफ से गया तो यहाँ पे अगर कोई क्रैक होगा तो ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी, यहाँ पे अगर ये है तो ये प्लेट इस तरफ मूव करने लगेगी, अगर यहाँ से इस तरीके से जा रहा है तो ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी। इस वजह से मेंटल के मूवमेंट की वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि प्लेट्स मूव क्यों करती हैं। एक बेसिक सा आंसर है, क्योंकि हमारा जो मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मूव करता है इन सर्कुलर मोशन, उसके सर्कुलर मोशन की वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर सकती हैं, एक दूसरे के आमने सामने भी मूव कर सकती हैं। ये हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, वो आगे की बात है, अभी ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। अब क्या होता है, अब देखो अब फिजिक्स के बारे में हमने सबने पढ़ा है, हमने आप में से कुछ लोग कॉलेज में होंगे, कुछ बच्चे शायद स्कूल के भी होंगे और कुछ बच्चे एग्ज़ाम पास आउट होंगे कॉलेज के, कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे, हर तरीके की वैरायटी है हमारे पास इन क्लासेस को देखने वाली। तो इसीलिए इस क्लासेस का जो लेवल है वो ऐसा रखा गया है ताकि हर एक जो एस्पिरेंट है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी हो, वो अपने बेसिक्स को क्लियर कर सके। तो फिज़िक्स में हम न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़
मोशन में है, या अगर कोई चीज़ स्थिर है तो वो तब तक उसी स्टेट में रहने वाली है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता। मतलब कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो तब तक चलती ही रहेगी जब तक हम ब्रेक नहीं लाते, मतलब हम ब्रेक का फोर्स उसे नहीं देते तब तक वो गाड़ी चलती रहेगी। वैसे ही एक फुटबॉल यहाँ पे है, फुटबॉल तब तक यहाँ पे ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक हम उसे किक नहीं करते, जब तक हम उसे किक नहीं करते तब तक फुटबॉल यहीं रहेगी। किक करेंगे, हो सकता है वो कहीं अपनी पोजीशन कहीं भी वो ले सकती है। तो यही बात हमारी प्लेट्स के साथ भी आती है, प्लेट्स के साथ भी आती है, या अर्थ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। जब तो कोई फोर्स नहीं हमें हमारी अर्थ पे रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। फोर्स दो तरीके के होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। गलत हो गया, सॉरी। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक्स। अब इसका क्या मतलब है? अर्थ पे एक्टिविटी हुई, अब फोर्स तो अर्थ के अंदर से भी लग सकता है, अर्थ के बाहर से भी लग सकता है। फोर्स होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को होने के लिए, उसको उसको उसका अंजाम देने के लिए। तो जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, अगर वो फोर्स जो अर्थ के इनसाइड कोई कुछ हलचल हुई उसकी वजह से अगर कोई फोर्स जनरेट हो रहा है तो उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ अर्थ के अंदर नहीं, उसकी सरफेस पे हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कोई ऐसा फोर्स है तो उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि मोशन ऑफ द मेंटल, ये है, ये फोर्स हो गया। या फिर हम अर्थक्वेक अभी पढ़ने वाले हैं। अर्थक्वेक में क्या होता है, जब प्लेट्स मूव करती हैं तो वाइब्रेशन जनरेट होता है। वो वाइब्रेशन जनरेट होता है, वो भी एक तरीके का फोर्स है। उस फोर्स की वजह से जो प्लेट्स हैं, फोर्स की वजह से अर्थक्वेक आता है, तो वो हो गया एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस एकदम से सडन और फास्ट या फिर स्लो मूवमेंट करा सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस सडन मूवमेंट करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस सडन मूवमेंट करते हैं और एक्सोजेनिक का ऐसा कुछ खास फीचर नहीं है, वो किसी भी तरीके का सडन और सडन मूवमेंट नहीं रहता है। एक्सोजेनिक का धीरे 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 जो है चीज़ें बनती रहती हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन और सडन मूवमेंट रहता है। सडन मूवमेंट क्या, जैसे कि वोल्केनो हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया। वोल्केनो, अर्थक्वेक। अब वोल्केनो हमें सब पता है, ज्वालामुखी। वोल्केनो में क्या होता है, वोल्केनो सडन मूवमेंट क्यों है ये? क्योंकि इसमें पहले से हमें कुछ एकदम से आशंका नहीं होती कि कुछ होने वाला है, एकदम से ज्वालामुखी फट जाता है। अर्थक्वेक के बारे में पहले से नहीं पता होता है, एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, धरती जो है शेक करने लगती है। तो ये सडन मूवमेंट होते हैं, फास्ट या फिर स्लो ये डिपेंड करता है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। वोल्केनो और अर्थक्वेक अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि वोल्केनो और अर्थक्वेक क्या होते हैं। देखो, हमने कल पढ़ा था कि मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा मेंटल में मौजूद रहता है। ये जैसे जो हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ी थी, तो इग्नियस रॉक्स में कहीं ना कहीं वोल्केनो का रोल भी रहता है। लेकिन जब जब जो मैग्मा है, अगर ये मैग्मा है और ये वोल्केनो है, ठीक है, अब आप कहेंगे वोल्केनो की ऐसी शेप क्यों हो जाती है? तो वोल्केनो की ऐसी शेप इसलिए हो जाती है, वोल्केनो हमेशा से ऐसा नहीं रहता है। इनिशियल स्टेज पे कहीं ना कहीं ऐसे वो पहले निकला हुआ, फिर जो मटेरियल उसके साथ निकला वो ऐसे ऐसे डिपॉजिट होता गया। जब तक बार बार यहीं से जो है लावा बाहर आता रहता है, वो जो मटेरियल है वो यहीं डिपॉजिट होता रहता है, धीरे धीरे करके वो इस तरीके की शेप ले लेता है। इस तरीके से वोल्केनो इस शेप में आ जाता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वोल्केनो क्या होता है, ये
मैग्मा यहाँ से गया और यहाँ से जाते 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 अब यहाँ पे ये हमेशा खुला नहीं रहता, यहाँ पे भी कुछ मटेरियल जमा हो जाता है और फिर यहाँ से एकदम से लावा बाहर आता है। तो ये भी वॉल्केनो एक सडन मूवमेंट हो गया, ठीक है। कई तरीके के वॉल्केनोज होते हैं डिपेंडिंग कि उनके वो किस मटेरियल से बने हैं, कैसा उनके एक्सप्लोजन हो रहा है, ये हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ, हम सबको पता है जब धरती मूवमेंट हिलती है तो हम उसे अर्थक्वेक या फिर भूकंप कहते हैं। भूकंप मतलब भूमिकंप मतलब कि ज़मीन में कंपन होना, कंपन मतलब हल्का सा शेकिंग। तो शेकिंग क्यों होता है? देखो हमने पढ़ा था प्लेट्स मूव करती हैं, प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, ये प्लेट है, प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये भी प्लेट है। अब यहाँ पे मैग्मा है, वो इस तरीके से मैग्मा जो है वो इस तरीके से मूव हो रहा है। हमने अभी देखा था मैग्मा सर्कुलर डायरेक्शन में मूव होता है। अगर ये इस तरीके से मूव हो रहा है तो ये प्लेट इस तरफ जाएगी, 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 ठीक है। तो जब ये प्लेट इस तरफ जाएगी और ये प्लेट इस तरफ जाएगी तो प्लेट्स में हो रहा है मूवमेंट। प्लेट्स, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ पास आ रही हैं। तो इस दूर जाने और पास आने में जो क्रैक होता है, इसमें कुछ तो क्रैक में वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। तो जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं तो वो हमारे सरफेस तक पहुँचती हैं। वो वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनसे भूकंप आ जाता है। ये प्लेट्स कई 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 लाखों हज़ारों किलोमीटर बड़ी होती हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। कुछ कुछ कॉन्टिनेंट सिंगल प्लेट्स पे भी बने हुए होते हैं। इस वजह से इनके सिर्फ हल्का सा मूवमेंट करने से इतना वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि वो अर्थक्वेक ला सकता है। वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होता है? सपोज करो ये मैग्मा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे हाँ, तो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। तो वाइब्रेशन क्रिएट कहाँ हुआ? वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट हुआ, ठीक है। जहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है अब उसे फोकस कहते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, फोकस ऑफ फोकस ऑफ अर्थक्वेक जहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसे हम फोकस ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। लेकिन ये वाइब्रेशंस, अब हमें सबको पता है कि जब वाइब्रेशन जनरेट होता है तो वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल करा। देखिए भूकंप इस वाइब्रेशन जहाँ पे जनरेट होता है, इसे जनरेट होने की वजह से भूकंप नहीं आता है। वो वाइब्रेशंस या वो वेव्स जो हैं वो जब ट्रैवल करके अर्थ के सरफेस तक पहुँचती हैं तब भूकंप आता है। अगर सिर्फ प्लेट्स ने मूवमेंट करा और वाइब्रेशन जनरेट हुआ लेकिन वो वाइब्रेशंस अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुँचा तो भूकंप नहीं आएगा। भूकंप आता है जब ये जो वाइब्रेशन यहाँ पे जनरेट हुआ वो अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है। जब अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है तो वो पूरे अर्थ के इधर उधर फैल जाता है। तो जहाँ पे अर्थ के सरफेस पे ये वाइब्रेशन पहुँचता है, मतलब फोकस के ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे वाइब्रेशंस पहुँचते हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। आप ध्यान दीजिए, जब भी आप भूकंप की कोई खबर पढ़ेंगे तो आप न्यूज़ पढ़ेंगे या न्यूज़ चैनल पर देखेंगे तो आप पे बताया जाता है कि अभी जो भूकंप आया है उसका एपिसेंटर क्या है, मतलब कि कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ। देखिए हम फोकस का तो पता नहीं लगा सकते लेकिन हम एपिसेंटर का तो पता लगा सकते हैं ना। एपिसेंटर के जस्ट नीचे कहीं ना कहीं, अब वो डेप्थ हमें नहीं पता कि कितनी वाइब्रेशंस कितनी डेप्थ से आ रही हैं, कितनी गहराई से आ रही हैं, लेकिन हाँ एपिसेंटर के नीचे ही कहीं ना कहीं वो जनरेट हुआ है, वो वाइब्रेशन वो वेव्स कहीं ना कहीं जनरेट हुई हैं, इसी वजह से वो हमारे एपिसेंटर तक पहुँची हैं और इसी वजह से भूकंप आया है। तो यही इन्हीं कारणों की वजह से भूकंप आता है। आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया होगा। इन भूकंप्स के पीछे जो वेव्स होती हैं वो भी तीन तरीके की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स।
तो उनके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल्ड वीडियो पढ़ने वाले हैं, वेव्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के बारे में हमारी क्लास में इतना जो हमने पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अर्थवेक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चंस को देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस अर्थवेक से रिलेटेड होते हैं। और आजकल के क्वेश्चंस ये नहीं है कि अर्थवेक क्या है, अर्थवेक की साइड्स क्या हैं। आजकल के क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि अगर कहीं अर्थवेक आया तो उससे बचाव कैसे करेंगे, अगर अर्थवेक आ चुका है तो उसके बाद की हमारी क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए। एज एन ऑफिसर, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी जो जनता है उनका ख्याल रखना है। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं। वैसे क्वेश्चंस आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज में भी देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ से आप इन क्लासेस को कंटिन्यू देखें और अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए अपनी मेहनत में लग जाएं। एग्ज़ाम पास में आने वाला है तो आज ही से इन सब चीज़ों में लग जाएं। हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहें ताकि आपकी क्लासेस और वो क्वेश्चन सीरीज जो हम एक दो दिन में शुरू करने वाले हैं वो आपकी मिस ना हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको बताएं हमें। कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और बस इतना ही। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। कल मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।